अभी देख लो मेरी हालत, ये देख लो, हम लिटरली एक रिवर में हैं। पूरी नदी है। ओ, ये क्या हो रहा है? मैं आ गया, ठूस ठूस के खा रहे हैं क्योंकि अपने को जल्दी जाना है। आज हमारा जो एक्टिविटी है ना वो 11 बजे गया और अभी 9:30 बज चुके हैं यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं पहले खा ले। मज़ा आ गया। हम रेडी तो हो गए क्योंकि हमें जाना है, जल्दी भागो। मज़ा आ गया भाई स्विमिंग करके ना। इतनी जल्दी जल्दी मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, अब एकदम धूप आ गई, गर्मी बहुत है और ऐसे वो हो गई उमस उमस बारिश के बाद एकदम धूप, ना सांस ही नहीं आ रही है, चिपचिप हो गया। बट सही है, यही है यहाँ का वेदर। ऐसा भी नहीं कितना मेंटेन करना पड़ता होगा, ये पूरा जो एरिया बना रखा है ना सुंदर। मुझे लगा मैं गिरूंगा। चलो बैठे बैठे पहले मुझे ठीक कर दोबारा। पेट्रोल डलवाने आ तो गए हैं लेकिन भीड़ देखो। ₹120 का पेट्रोल डलवा के हम निकल चुके हैं और इतना मजा आ रहा है ना। अच्छा है हमने कहीं वो नहीं लिया टैक्सी वगैरह। हाँ नहीं भाई साहब मजा नहीं आता, इतनी मस्त हवा चल रही है तो अच्छा वेदर है और इससे ज्यादा मतलब व्यू इतना तगड़ा आ रहा है ना, और यहाँ पे घर से ज्यादा हमें मंदिर दिख रहा है, इतना मजा आ रहा है देखते हुए। और यहाँ पे सारे लोग इतने अच्छे है, इतने हेल्पफुल है, सब हमें हाई भी कर रहे हैं। हाँ सब खुश हो रहे हैं देख। वैसे हमारी अभी एक्टिविटी शुरू होने वाली है, हम ATV चलाएंगे, क्वाड बाइक होती है जो, और हम इसमें बैठ के जा रहे हैं सिर्फ हम दो, शायद और कोई भी जाए हमारे साथ। लेकिन मैं बताऊं हमारी एक्टिविटी शुरू नहीं है लेकिन हमने ऑलरेडी एक एक्टिविटी कर ली है, सिर्फ 400-500 रुपये और 100-150 रुपये का पेट्रोल। तुम स्कूटी पे इतनी मस्त जगह घूम सकते हो ना यहाँ पे। जल्दी पहुँच गए, हम पैदल भी आ जाते हैं बट ठीक है। तो अब हमें एक गियर वगैरह देंगे जो पहनने हैं, बूट्स वगैरह, क्योंकि कीचड़ वगैरह बहुत होगी, बहुत अलग एरिया से लेके जाएंगे हमें। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, हमारी वीडियो बनाई जा रही है, कितने हेल्पफुल है सब। अरे वाह हमने नहीं कहा इनसे। कितनी सारी खड़ी है और सिर्फ हम दो आए हैं, ऑलरेडी ना हमसे पहले एक ग्रुप जा चुका है तो हम सिर्फ दो ही है, इसलिए अच्छा मस्त ये घर ले चलो। सब बच्चा लग रहा है, लव मैम लग रहा है तू छोटा। ओके ओ कम्फी है ना, मस्त है ना। हमारे गाइड भैया भी है तैयार और हम सिर्फ अकेले कर रहे हैं, बेस्ट पार्ट है इसका। मन जाएगा तूने मेरे को गिराया, मैं अपना बर्थडे नहीं मना पाऊंगी। नहीं मनाए। भंगड़े हो रहे हैं। भाई साहब क्या जगह है ये, बिल्कुल खेतों के बीच में। पकड़ 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 पकड़। हेलो मेरी हालत खराब हो गई जैसे गड्ढा आया। लिटरली ऐसा लग रहा है मैं ड्रीम में कहीं घूम रहे हैं, ये ऐसी जगह दिख रही है ना, ऐसा लग रहा है एक सेकेंड मतलब करते करते ऐसा फील हो रहा है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ यार। नहीं मेरे, मैं वापस लेता हूँ अपने शब्द, वो तो हमने जो किया स्कूटी पे घूमने का मजा अलग है, ये भी अलग है, ये अलग है। तो ये कुछ 4.5 लाख इंडोनेशियन रुपया है, मैं कैलकुलेट करके बता दूं पर पर्सन। ये जरूर करना, अब करेगी सोनिया ट्राई। चलो बेटे भैया ने तो एक मिनट में ऐसा दिखा दिया कि ये है असली चलाना। हाँ। मजा आ गया सच्ची में, इतना लंबा रास्ता है कि हमें बीच में रुक के पानी पीना पड़ रहा है। पानी पी के पता चल रहा है कि अच्छा पीना था, चाहिए था ये। उबुद में आओ तो ये जरूर करना। मैंने अभी ट्राई की, पता है बहुत ज्यादा हैवी है ये बाइक, मतलब मेरे को मोड़ने के लिए ना मैं खुद ऐसे मुड़ गई पूरा। बट अच्छा लगा यार, हम लिटरली एक रिवर में है, पूरी नदी है। ओ, ये क्या हो रहा है? भैया हमारी हेल्प के लिए दोबारा आ गए क्योंकि आगे कुछ एक बहुत डीप सा गड्ढा है, वो आ गए देखने के लिए कि हम पार कर जाए। जय माता।
क्या फन राइड थी ये, खत्म क्यों हो गई यार, कितना मजा आया। मैंने शायद ये पहली बार ही चलाई थी, लेकिन बात पहली बार चलाने का नहीं है, जो इन्होंने ट्रैक बना रखा है ना वो इजी लग भी रहा है लेकिन वैसे है नहीं, पूरा ऑफ रोडिंग है, ऐसा नहीं है कि बस बच्चों वाला बना दिया, नहीं वैसा नहीं। अभी भी हमारे पास काफी टाइम है और भी चीजें करने का, यहाँ से निकलते हैं फिर स्कूटी पे बैठ के निकलते हैं कहीं और जगह पे। मैं रुकने नहीं वाली हूँ, इतना फन आया ना मेरे को बहुत। खाने को लंच भी मिल रहा है यहाँ पे और सब कुछ है, वेज नॉन वेज दोनों है, इंक्लूडेड है ये, तो ये और भी बढ़िया चीज हो गई। और मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, देख लेना। दूसरे रास्ते की तरफ निकल चुके हैं, अब दूसरी एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। ये कुछ भी हमने ना नॉर्मली बुक नहीं करवा रखा था, खुद ही ऑन द वे ढूंढ ढूंढ के अच्छा रिसर्च करके कि ये यहाँ है ये यहाँ है, लेकिन तुम्हें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ लिंक होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यश है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है। तो यहाँ पे आने के लिए बीच में तुम्हें बहुत सारे और मिलेंगे स्विंग वाले, हम यहाँ बाली स्विंग में आए हैं और यही वाला रियल वाला है, वो वाला अलग है जितने भी हमने बीच में देखे हैं ना उन, लेकिन अभी जो हमें एक बंदा बीच में मिला था ना वो हमें किसी और वाले में ले जा रहा था क्योंकि उसको शायद कमीशन मिलता होगा वहाँ पे, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा हमें, उसने कहा अच्छा तुमने कहीं और बुक कराया तो यहाँ जाओ, वैसे हमने कोई बुक नहीं कराया था, हमने यहीं आके बुक किया अभी, लेकिन जो रियल बाली स्विंग है वो आगे जाके है और मैं तुम्हें लिंक डालूंगा ना तो उसी वाले में आना और किसी में मत जाना क्योंकि ये बेस्ट वाला है, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हम यहाँ पर ड्रेस सेलेक्ट करेंगे एंड कुछ हेड पीस एक्सेसरीज वगैरह भी ले, लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, बन्नी कह रहा है ठीक है। मैं वैसे कुछ नहीं कर रहा, चल मैं पैसे दे, बड़ा हाथ पकड़, बड़ा ही अजीब है। ले मैं पैसे पीछे है। तो वैसे ये मोस्टली हाँ गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कोई खास सही लग नहीं रहा, एक दो अच्छे हैं वो शायद करेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे भी है इसके, इसके ऑलमोस्ट 500 के इंडोनेशियन रुपया है एक पर्सन का सब कुछ करने के लिए, और ड्रेस वगैरह का अलग है जो लड़कियों के लिए। मैं कैसी लग रही हूँ? मस्त। क्राउन चाहिए? चेक कर ले। आ गई है फोटो, आ गई फोटो, आ गई है, चल ठीक है। भैया ने बहुत अच्छी फोटो लिया मन्नी, है ना, तू दे दे पैसे ले ले। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली है तू, तू तू मेरे हाथ में लिख दियो तू ले ले। मुझे लगता जा रहा है यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ एंट्रेंस लेके आया हूँ यहाँ पे। अच्छा है लेकिन ये एड्रेनलिन, वो भी सुंदर बनके, मुझे तो पूरा मजा आ रहा है, मैं फोटोग्राफर भैया बन के घूम रहा हूँ, उनके साथ ही मिलके घूम रहा हूँ। मैम अभी देख लो मेरी हालत, ये देख लो, हम आए कॉफी पीने, ये जो भैया है ना ये पोटी करते हैं और कॉफी निकालते हैं, पहले कॉफी के बीन्स खाते हैं, पोटी करते हैं, उसकी कॉफी बनती है। मम्मी जिंजर हाँ पूरी खेती की हुई है इन्होंने, मस्त। भैया सो रहे हैं, हम इन्हें जगा नहीं सकते, वो हमें मार देंगे। But you can also touch. Touch? Oh, he's sleeping. उठ गया वो। हमारा लुवाग भैया सो रहा है, इसको जगाना नहीं है तो हम बस ऐसे प्यार से कि सो जा प्यारा बाबू गुड नाइट, तो प्यारा ही है। ये सुबह एंड दिन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अभी इनका सोने का टाइम है और ये रात को उठेगा। ये है लुवाग भैया की पॉटी, कॉफी की। इससे फ्रॉम दिस यू मेक द कॉफी, या फ्रॉम पूप, फ्रॉम पूप, सॉरी फ्रॉम पूप, या बट दिस इज आफ्टर वी ड्राइंग फॉर 2 वीक, या दो हफ्ते सुखाने के बाद। हाँ एंड देन लुवाग भैया की लिंक,
मेरी जॉब लग गई है यहाँ पे, मेरे को ये इतना प्यारा बाबू लगा तो मैंने बोला कोई नहीं मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, हम यहाँ पे कॉफी बेचेंगे और पैसे कमाएंगे, तो मैं इसकी थोड़ी सी बॉडी को घीस देती हूँ। बहुत ही लाइट है और लाइक बिल्कुल फाइन पाउडर बन गया है, एंड आई कैन नॉट बिलीव मैंने एनिमल की काइंड ऑफ पॉटी ही खाई है यार कॉफ़ी के रूप में। फाइनली हमारा समय आ गया, हमने प्रोसेस तो पूरा देखा कि वो कॉफ़ी कैसे बनाते हैं लुवा की पॉटी से, बट अब हम ट्राई भी करेंगे। मन्नी बहुत एक्साइटेड है, बहुत ऑलरेडी ये खा चुकी है। हाँ मेरे मुंह में वो टेस्ट है अभी भी, बट पता नहीं चला। और वो लास्ट प्रोडक्ट तो कॉफी भी नहीं लग रही थी, वो लास्ट तो कॉफी भी नहीं बची है ना। हाँ वही तो, पॉटी तो धो दी, इतना मस्त था, पॉटी धो दी। हाँ पॉटी सुखा दी। This is without sugar. This is Luwak coffee. इसमें शुगर नहीं है, इसमें दूध नहीं है। पीके दे। Okay. 1, 2, 3. Smells nice. Yeah, smells nice. I think it's not bad. इसका texture is different. It's nice. नाक क्यों चढ़ा रहा है? मुझे पता क्या लग रहा है? मैंने ये कॉफी ना अभी होटल में पिया है। होटल में रखी हुई थी उन्होंने। मैं तेरे को कह नहीं रहा था, हमारी होटल की कॉफी अलग है, ये काइंड ऑफ वैसी लग रही है। कूड़ा फेंक दिया तूने। मस्त नहीं लग रहा, अच्छी है वैसे तो। वैसे तो इन्होंने हमें लुवाक कॉफ़ी के पैसे चार्ज किए, लेकिन टेस्ट करने के लिए ये सब दिया है, सब टेस्ट कर सकते हैं फ्री में। फ्री में और ये सारी वो है ड्रिंक्स, वाली कोकोआ भी है इसमें जो मैं पी रहा हूँ, कोकोनट कॉफ़ी भी है, हनी भी है, और ये है बटरफ्लाई पीटी जो कि एक फ्लावर है। फ्लावर है, मेरे को लगा था कि एक्चुअल में इन्होंने कुछ नई चीज़ बना दी है कि बटरफ्लाई के सुसु की टी है ये, बट नहीं। दिखा ये कॉफ़ी बनी है सबसे बदबूदार फ्रूट की, डुरियन। हाँ ठीक है, अच्छी है, ठीक है। और हम आ गए हैं, कहाँ गए हम? उबुद की फ्राइडे मार्केट में। सच्ची में शुक्र बजा रहे, फ्राइडे है ना आज। हाँ हाँ, लेकिन हम कुछ नहीं ले जा सकते क्योंकि हम ऑलरेडी भर के लाए हुए अपना सामान। हमने बिल्कुल इतना भर रखा था कि 1-2 किलो ज़्यादा ही था हमारा एक्स्ट्रा लगेज था, और कुछ का तो हम पे भी करके आए एक्स्ट्रा लगेज का। yes. क्योंकि हमें इसके बाद भी कहीं जाना है, वो तो मैंने ही बताया है, वो बाद में बताएंगे। तो आ गए हैं हम अपने होटल, अपने घर, अपने घर। हाँ घर ही लग रहा है अभी, जंगल में घर। और अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं सोच रहा हूँ क्या डुबकी मार ले पानी में। अरे यार ठंडक हो गई, मन नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है अभी हमारे लिए बॉनफायर लगेगा तो मज़ा आ जाएगा, पानी में नहाएंगे और फिर ठंडी ठंडी। यहाँ तो एक तो मौसम ऐसा बदलता है ना, एकदम बारिश, एकदम तगड़ी धूप। हाँ एकदम ह्यूमिड हो गया। हाँ एकदम से कुछ और हो गया, और अभी तो ठंडक हो गई है, मतलब अब लग रहा है कि हाँ विंटर है, विंटर सीजन अब लग रहा है। बबल देखोगे ना, ये देखो, देखे क्या बात भाई, ठंडक है रात की थोड़ी सी इसलिए आग लगेगी आज, मजा आ जाएगा। तो एक्चुअली हमने खाना बाहर से मंगवाया था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए कैंडल लाइट डिनर करवाया, और खाना भी हमारे लिए खुद मंगवाया उन्होंने, हमने जहाँ से मंगवाना था ना उन्होंने खुद ही मंगवा दिया। ये है सेटअप, जगह का जो फील है ना, खाना नहीं चाहिए। ये फील बहुत बढ़िया, इसी से पेट भर गया हमारा, इस वाइब से बहुत मस्त।